सत श्रीकाल जी, मैं हरविंदर हैरी, तुम देख रहे हो रोजाना टाइम। दसंबर 2017 के जीरा के मल्लावाला कस्बे में श्रोमणी अकाली दल के वर्करां के वलों खारिज किया गया सी ते हरीके पुल नूं जाम किया गया सी ते दस दिए कि अज उत्थे सुखबीर बादल ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अदालत के पेशी है ते जिस तों बाद उन्होंने मीडिया नाल गलबात की ते उन्हां दे वलों पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ते निशाने साधे ने ते उन्हां दे वलों कहा गया है कि जो बीते दिन पंजाब सरकार दे वलों टोल प्लाजा बंद किया गया उस नूं लैके जिहड़ी तरीक उह खत्म हो चुकी सी परंतु जिहड़ी फोकी मशहूरी की गई है ते उन्हां दे वल्लों कहा जा रहा है कि मीडिया की जिहड़ी आवाज़ आ उह वी दबाई जा रही है ते दूजे पासे सुखबीर बादल ने भी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ते निशाने साधे ने ते उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि इह केजरीवाल दे इशारियां ते चलदे ने ते दूजे पासे उन्हां दा कहना है कि मीडिया की जिहड़ी आवाज़ आ उस नूं सिर्फ दबाया जा रहा है। बिल्कुल फेल, सारी उहदी सरकार दी कार्यकारी हैगी झूठ ते निर्भर। जिवें मैं हुणी दो तीन दिन पहले टोल प्लाजा की गल की उन्हें कि टोल बंद करते, टोल की वो म्याद ही पूरी हो गई, भावें वह ना के उद्घाटन जाके ऐलान भी ना करता, अपने आप ही बंद हो जाने से। सो यदि हर चीज़ झूठ है। जेडे ने मोहल्ला क्लीनिक वो फेल हो गए, जेड़ा मूंगी का क्या सी चकूंगा, मूंगी नहीं चक्की, मक्की नहीं चक्की, MSP नहीं मिली, नौकरियां क्या सी वो भी फ्रॉड है, सारे झूठ है। तो इस करके आ सोचता क्योंकि मीडिया नूं इन्हें कंट्रोल कर लिया, मीडिया ते दबाव पाता, हुण आवाज किसी दी निकल नहीं दिंदे। वो सोचते कल्ली मेरी आवाज आए, पर जनता तो समझती है ना। पार्टी नूं तगड़ा करांगे, पिंड पिंड जावांगे, घर घर जावांगे। देखो जो जिस तरीके नाल जिहड़े दिल्ली दे कंट्रोल थले मौजूदा सरकार चल रही है, पंजाब दे पानिया दे मुद्दे ते, पंजाब दी एक्सचेकर फाइनेंस दे मुद्दे ते, हर मुद्दे नू लैके पंजाब नू ए दूजे स्टेटा नू देश नू गिरवी कर रही। पहली बारी होया इतिहास च कि पंजाब का मुख्यमंत्री जाके राजस्थान ये गल कहे कि असी तो पानी देना चाहते हैं, राजस्थान वाला मुख्यमंत्री लेना नहीं चाहता। कदे तुसी हिस्ट्री च कढ के दिखा दिओ, रौला तो हमेशा यह रहा कि पानी सानू नहीं पूरा हो रहा तो अं किवें दे सकदे। जिहड़ा बंदा सिर्फ इलैक्टोरल पॉलिटिक्स की गेन लई पंजाब का पानी कदे राजस्थान नूं देण की गल करे या जाके सुशील गुप्ता जिहड़े इन्हां दे राज्यसभा MP आ उन्हां नाल स्टेजा सांझी करन, जिन्हां ने यह गल कही कि हरियाणे के कोने कोने चो SYL चो पानी पहुँचा देंगे। ओहो जे बंदे दे हाथ च पंजाब कित्थों सुरक्षित है। 45,000 करोड़ का नवा करजा चढ़ाता पंजाब ते, बोझ नवा पै गया ते एक भी प्रोजेक्ट, एक भी नवी सड़क, सड़क तो छड्डो मैं कहना एक भी नवा पच नहीं लाया, ये काम कितों चलूगा। ये कहते जी IT प्रधान बनाया जी, नवा पहला कांग्रेस दा रहा जी, ओदे पर जी बधाई है जी, बड़ी किस्मत वाले है, जिवें पहला उधरों बन गए हुण इधरों बन गए, होर की चाहिए भरा, तेनू मौका मिले तू केड़ा छड्डेगा। लोकसभा वास्ते कोई गल बोलती है जी, लोकसभा वास्ते गल नहीं, लोकसभा वास्ते जी देखो इन्होंने पंजाब च हर बच्चे नूं बच्ची नूं पक्का करन दा वादा कीता सी। सतोज जिवें डांगा पईआं तुहाडे सामने आ पक्के, तां मैनूं लगदा लक्क करते लोकां दे, तो शरीरक तौर ते पक्के करी जांदे, सरकारी तौर ते पक्का कोई नहीं हो रहा। इश्तिहार दिंदे आ कि असीं 20,000 बंदे नूं नौकरी देती, 3 करोड़ की आबादी च 20,000 बंदा 1% भी नहीं बनता, मतलब 0.1% तो घट बनता कि इस तरह मसले हल हो जाने। किन्ने बच्चे पढ़ लिख के कॉलेजां तो पास आउट हो रहे ते किन्नियां नूं नौकरी मिल रही। अज करजा पंजाब दा लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब दे हर महकमे दे जो हालात बने पे आ, मीह मूह पै गया तो बत्ती मिल गई है, नहीं तो इंडस्ट्री नूं अज सब तो महंगा रेट बत्ती दा करता, दुकानदार सब तो वध पैसे दे रहे, तो जदों इंडस्ट्री लई बिजली सब तो महंगी हो गई, किने आके इत्थे इंडस्ट्री लाउणी, इंडस्ट्री तो नवीं आई कोई नहीं रही। सो जो पंजाब दे जनरल हालात बने आ इहदे बारे चिंतित आ, और इहदे बारे जिक्र हो रहा कि किवें पंजाब तो जहाज उठदा है, दिल्ली फिरदा है, दिल्ली तो गुजरात देश के कोने कोने, पंजाब दे उहदे लोक पैसे क्यों देण, ये सारी गल्लां चिंता का विशा बनिया। पार्टी नूं अगे लैके जाण वास्ते की रणनीति कीती? देखो वो थोनू तो नहीं सलाह दसांगे,
ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 341 IPC ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਵਨ ਪਰਸਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਚਾਰਜ। ਅਗਲੀ 13 ਸੱਤ ਪਈ ਹੈ 13 ਮਈ ਅਸੀਂ।